गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन एनवायरनमेंट। नाउ एज यू नो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस टाइम ह्यूमन बीइंग्स दे यूज्ड टू लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर सेटलमेंट्स। कि स्टूडेंट्स की ह्यूमन बीइंग अर्ली टाइम में नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, फॉरेस्ट में, दे यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट। बट एज द टाइम चेंज दे स्टार्टेड मेकिंग देयर सेटलमेंट्स, उन्होंने अपने लिए सेटलमेंट्स बनाने स्टार्ट किए। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दिस। फर्स्ट वन इज अबाउट द सेटलमेंट। विल स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम सेटलमेंट। अर्ली ह्यूमंस लेड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। With the beginning of agriculture, they settled down and started leading a sedentary lifestyle. It was at this time that the first settlement came into being. Early humans the they previously used to live nomadic life. वो nomadic life जीते थे, they were moving from one place to another place in search of food. But as they started agriculture, जैसे जैसे उन्होंने खेती करना शुरू किया, they started living a settled life. फिर उन्होंने एक settled life जीना शुरू किया, उन्होंने एक place select की, they built their homes there, huts there, and they started living there only. It was the first time the first settlement came into being, और वही समय था जब human being ने पहली settlement यानी बस्तियाँ बनाना शुरू किया. A settlement is a place where people build their houses and a few other facilities and interact with the environment as well as with each other. It can range from a small cluster of herds to being a big metropolitan city. कि सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट वो प्लेस है जहाँ पे ह्यूमन बींग अपने लिए हाउसेस बनाते थे, घर बनाते थे, एंड फ्यू फैसिलिटीज़, और जहाँ उन्हें थोड़ी बहुत सुविधाएँ मिले, वो एनवायरनमेंट को यूज़ कर सके, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके, तो उस जगह को हमने नाम दिया सेटलमेंट। लेकिन रेंज फ्रॉम स्मॉल, अब सेटलमेंट अलग अलग तरह के हो सकते थे। सेटलमेंट में भी अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ हर्ट, कुछ छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर जो है वो भी सेटलमेंट है, और कुछ जो बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वो भी सेटलमेंट का ही पार्ट है। द फैक्टर विच गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट आर फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एसेसिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। नाउ स्टूडेंट्स, सम फैक्टर्स आ गया, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं जो सेटलमेंट डेवलप होने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेट, कि क्लाइमेट हमारा फेवरेबल होना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट होगा तभी हम वहाँ पे अच्छे सेटलमेंट डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड वाटर, जहाँ भी हम अपना घर बना रहे हैं हमें अपनी जो लैंड देखनी होगी, और हमें वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी, कि पानी भी वहाँ पर पानी की सुविधा होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि वहाँ की जो सॉइल है शुड बी फर्टाइल, वो फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स भी वहाँ होने चाहिए, और आसपास इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना चाहिए। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स। सम सेटलमेंट्स आर टेम्पररी, वेयर द नोमैडिक पीपल स्टे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट सेटलमेंट्स हाउएवर आर परमानेंट, वेयर पीपल लिव फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कुछ सेटलमेंट जो होते हैं टेम्पररी होते हैं, जहाँ पे पीपल यूज टू लिव फॉर शॉर्ट पीरियड, वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, देन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। बट सम प्लेसेस, सम सेटलमेंट्स आर परमानेंट, पर कुछ सेटलमेंट क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, जहाँ पे लोग लंबे ड्यूरेशन, लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं। जनरली स्पीकिंग, सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रूरल एंड अर्बन। सेटलमेंट को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। Now, first we'll read about the rural settlements. A rural settlement is one in which the majority of people are involved in activities such as agriculture, fishing, mining, and forestry. Here, the population is generally small and population density is low. In many cities, they are based on local raw material are manufactured and some trade is also practiced. Now, student, rural areas kya hote hain? Kaun se hote hain? कि वहाँ जहाँ रूरल एरियाज़ हमने उनको कहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण बस्तियाँ, जिसे हम कहते हैं गांव की बस्तियाँ, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी ज़्यादातर जो लोग हैं दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़। वो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, माइनिंग में या फॉरेस्ट्री में। तो इन एक्टिविटीज़ में यहाँ के मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम पॉपुलेशन यानी बहुत कम जनसंख्या यहाँ रहती है, जनसंख्या की जो डेंसिटी है बहुत लो है।
पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स क्या होता है, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन गिवन टू अ यूनिट ऑफ एरिया, किसी भी एरिया में उसके अकॉर्डिंग कितने लोग रहते हैं वो वहाँ की डेंसिटी होती है, जिसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं. इन मेनी विलेजेस हैंडीक्राफ्ट बेस्ड ऑन लोकल रॉ मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सम ट्रेड आर ऑल्सो प्रैक्टिस. कि कुछ ऐसे विलेजेस हैं, गांव हैं, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बेस्ड जो वर्क है यानी हाथ से किया वाला काम है, वो लोकल जो लोकल पीपल होते हैं वो लोकल मटेरियल को लेकर वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कुछ अपने हाथ से मटेरियल्स बनाते हैं एंड दे सेल देम, उसको वो सेल करते हैं. सम ट्रेड इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत जो होता है व्यापार भी इन एरियाज में डेवलप हो जाता है. रूरल सेटलमेंट्स कैन बी इधर कंपोक्ट और डिस्पोजल. इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट द हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर, दे आर मोस्टली फाउंड इन द रिवर वैलीज एंड फर्टाइल प्लेन्स वेयर द लैंड इज फर्टाइल एंड एसेबिलिटी इज गुड. नाउ सेटलमेंट्स को जो रूरल सेटलमेंट्स हैं यानी ग्रामीण बस्तियाँ, उनको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, या तो वो कॉम्पैक्ट होंगी या डिस्पर्सल होंगी. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आस पास होते हैं. द हाउसेज आर क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास पास घर बनाते हैं. ज़्यादातर ऐसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं, नियर द रिवर वैलीज एंड फर्टाइल प्लेन्स में, कि जहाँ रिवर वैलीज हो, कोई नदी बह रही हो उसके आसपास का एरिया, या फिर जहाँ पर सॉइल बहुत फर्टाइल होती है या फ्लैट लैंड होती है, जहाँ पर ज़मीन फ्लैट होती है, इन जगहों पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं. डिस्पोजल सेटलमेंट्स आर मेड इन द स्कैटर्ड हाउसेज, दे आर मोस्टली फाउंड इन द हिली और फॉरेस्ट एरियाज, लार्ज फार्म लैंड्स एंड इन एरियाज एक्सेसिबिलिटी इज पुअर. डिस्पोजल सेटलमेंट होते हैं जहाँ पे स्कैटर्ड हाउस थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, थोड़ा गैप लेकर होते हैं, दूर दूर होते हैं, और इस तरह के हाउस मोस्टली हिली एरियाज में, जहाँ पे या फिर फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, या बड़े बड़े जहाँ लैंड फार्म हाउसेज वाला जो एरिया है, वहाँ पे डिस्पोजल सेटलमेंट मिलते हैं, जहाँ पे घर पास पास न बनाकर दूरी पर बनाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट अबाउट द अर्बन सेटलमेंट. अर्बन सेटलमेंट इज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. इट यूजुअली हैज अ लार्ज पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई. अर्बन सेटलमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, यानी खेती का काम नहीं करते, वो दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन शासन चलाने का काम करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर वर्क ना करके अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वो होते हैं अर्बन सेटलमेंट, जिन्हें हम शहरी बस्तियाँ कहते हैं. इट यूजुअली लार्ज पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अर्बन सेटलमेंट में रहती है, और यहाँ पर लोगों की डेंसिटी यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं वो भी हाई होती है कंपैरिजन टू द रूरल सेटलमेंट. अब हम इन अर्बन सेटलमेंट को हमने बहुत सारे टाइप कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. दे इंक्लूड नॉट ओनली कैपिटल सिटीज ऑफ द कंट्री बट ऑल द सेंटर ऑफ प्रोविनेंसेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. फॉर एग्जाम्पल न्यू डेली, वॉशिंगटन DC एंड गांधीनगर. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है शासन, कि वो टाउन्स जिनसे शासन चलाया जाता है, वो शहर जिनसे शासन चलता है, उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहते हैं. ज़्यादातर इसमें कौन सी होती हैं, कैपिटल सिटीज़, जहाँ किसी भी शहर की राजधानी हो गई, मेन उसकी डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसका कोई स्टेट पर्टिकुलर हो गया, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है न्यू डेली, इंडिया का पूरा जो शासन है वो कहाँ से चलता है, न्यू दिल्ली से. वॉशिंगटन DC, गांधीनगर, जो जयपुर है, ये भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं. जो क्या किसी भी जगह के कोई कंट्री हो गया, या फिर उसका जो पर्टिकुलर स्टेट है या कैपिटल ऑफ दैट सिटी, वो सब क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहाँ से शासन चलाया जाता है. नेक्स्ट वन इज डिफेंस टाउन. डिफेंस टाउन मीन्स होता है जो वो टाउन्स जो आर्मी से रिलेटेड हैं, देश की सुरक्षा से रिलेटेड, जहाँ पे ज़्यादातर वर्क देश की सुरक्षा से रिलेटेड होता है, वहाँ पे उनके सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं डिफेंस के. दे आर द सेंटर ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज़, वो मिलिट्री एक्टिविटीज़ के सेंटर्स होते हैं, लाइक द आर्मी हेडक्वार्टर, वहाँ पर आर्मी का हेडक्वार्टर होगा, नेवल डॉकयार्ड होगा, या नेवी का अपना डॉकयार्ड होगा, या फिर एयरफोर्स का बेसिक कैंप होगा. तो इस तरह के जो टाउन्स हैं वो डिफेंस टाउन की कैटेगरी में आते हैं. Example is given here, in Madhya Pradesh, Kochi or Barakpur and so on. Now third one is the
कल्चरल टाउन. कल्चरल टाउन कौन से हैं? दे आर द सेंटर ऑफ कल्चर, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, किसी धर्म से रिलेटेड, जो यहाँ पे स्कूल वगैरह कॉलेजेस ज़्यादा डेवलप होते हैं, आर्ट का क्राफ्ट का वर्क होता है, वो होते हैं हमारे कल्चरल टाउन. एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड इज यूनिवर्सिटी जहाँ पे है, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, एजुकेशन सेंटर है. शांति निकेतन एजुकेशनल सेंटर है, हॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए फेमस है. वाराणसी, मक्का एंड विद वेटिकन सिटी, ये रिलीजियस कल्चरल टाउन है. तो ये है कल्चरल टाउन. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल टाउन. दे हैव सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज देयर मेजर फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर, दुर्गापुरा, भीम, बर्मिंगम एंड डेट्रॉयट. तो कुछ इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, जहाँ ज़्यादातर फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं उन टाउन्स में, वो इंडस्ट्रियल टाउन की कैटेगरी में आते हैं. जैसे इंडिया में जमशेदपुर है, दुर्गापुरा है, बोकारो है, वो सारे कौन से हैं? इंडस्ट्रियल टाउन हैं जहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर फैक्ट्री इस्टेब्लिश हैं. नेक्स्ट वन इज़ मार्केट टाउन. दे आर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर वेरियस गुड्स. फॉर एग्जाम्पल बर्धाम इन वेस्ट बंगाल एंड नॉर्विच इन इंग्लैंड. अब मार्केट टाउन क्या होता है? दे आर कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कि जितना भी माल आता है वो इन सेंटर्स में, इन टाउन्स में आता है और यहीं से फिर अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होता है. वो मेन मार्केट का सेंटर होते हैं और वो किसके रूप में डेवलप होते हैं? मार्केट टाउन के रूप में, कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन जाते हैं, कि वो लोग सबसे माल खरीदते हैं और वहीं से सारे जो एरियाज़ हैं ऑल ओवर एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो गिवन बर्धाम इन वेस्ट बंगाल एंड नॉर्विच इन इंग्लैंड. नेक्स्ट वन इज माइनिंग टाउन. दे आर डेवलप्ड नियर द माइनिंग एरियाज. फॉर एग्जाम्पल द धनबाद ऑन कोल एंड जोहान्सबर्ग ऑफ कोल. माइनिंग टाउन्स वो होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर माइनिंग का वर्क होता है, यहाँ खदानों का वर्क होता है, खान से सोना निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, वो माइनिंग टाउन के रूप में डेवलप होते हैं. जैसे धनबाद है जहाँ पे कोल माइनिंग है, बहुत सारी कोयले की खानें हैं वहाँ पे, और जोहान्सबर्ग इज़ फेमस फॉर गोल्ड. नेक्स्ट वन इज़ पोर्ट टाउन. नाम से पता चलता है स्टूडेंट, पोर्ट टाउन कौन से हैं? वो टाउन्स जहाँ पर पोर्ट्स डेवलप हैं, पोर्ट्स हैं, हार्बर हैं, जो बेसिकली सी कोस्ट के आसपास होते हैं और ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में भी डेवलप हो जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल इज आल्सो गिवन मुंबई है, कोलकाता है, हांगकांग, न्यूयॉर्क है, ये सारे हैं पोर्ट टाउन्स जो बेसिकली सी कोस्ट के आसपास डेवलप हैं और जो ट्रेड का इम्पॉर्टेंट सेंटर है. नेक्स्ट वन इज रिजॉर्ट टाउन. दे कैटर टू द रिक्रिएशनल नीड्स ऑफ द पीपल आर फॉर वेरियस टाइप, हिल स्टेशन, सी साइड टाउन्स, पार्क्स, प्लेसेस विद अट्रैक्टिव सीनरी लाइक नैनीताल, कोवलम एंड सो ऑन. रिजॉर्ट टाउन्स वो होते हैं जहाँ पर पीपल यूज टू फॉर गो टू सी देयर सीनरिक ब्यूटी, वो उनकी सीनरिक ब्यूटी के रूप को देखने जाते हैं. हिल स्टेशन के रूप में डेवलप होते हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि हिल स्टेशन हो गए, जहाँ पे बहुत सारे टाउन्स हैं, जहाँ पे सी साइड टाउन होते हैं, समुद्र के आसपास के जो एरिया गोवा वगैरह जो है वहाँ पे भी बहुत सारे रिजॉर्ट टाउन डेवलप हैं. नैनीताल है, मसूरी है, देहरादून है, ये सब क्या है? रिजॉर्ट टाउन के रूप में डेवलप है, जो अपनी सीनरिक ब्यूटी के लिए माने जाते हैं. नेक्स्ट वन इज रेजिडेंशियल टाउन. दे हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड रेजिडेंस टू पीपल सच एज चंडीगढ़, कल्याणी नियर कोलकाता एंड रिचमोंड नियर लंदन. कि रेजिडेंशियल टाउन्स वो टाउन हैं जहाँ पर बेसिकली लोग रेजिडेंस करते हैं, निवास करते हैं, रहने के लिए अपने घर बनाते हैं ज़्यादातर, जैसे चंडीगढ़ है, कल्याणी है और रिचमोंड नियर लंदन. मैनी टाउन्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कोलकाता एक्सेट्रा. दे आर रेफर्ड टू बी डाइवर्सिफाइड इन फंक्शन. कि बहुत सारे टाउन हैं जो वेराइटी ऑफ फंक्शन, अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अब उनमें बहुत सारे अदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है. वो पोर्ट टाउन भी हैं, वो मार्केट सेंटर्स भी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी हैं, तो इस तरह से वो एक साथ बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. तो वो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कोलकाता. तो ऐसे टाउन्स को हम डाइवर्सिफाइड टाउन्स के रूप में भी जानते हैं. रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. द विलेजेस प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड डेली लेबर्स टू द टाउन. ऑन द अदर हैंड द टाउन सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द विलेजेस.
पीपल फ्रॉम विलेज कम्स टू द टाउन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो द एजुकेशन मेडिकल एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। आव स्टूडेंट्स, रूरल और अर्बन सेटलमेंट यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जो हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। विलेजेस जो हैं वो हमें फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं, गांव से हमारे पास अनाज आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, और हमारी जो डेली की जो लेबर है वो भी कहाँ से आती है, ज़्यादातर विलेजेस से आती है जो शहर में प्रोवाइड की जाती है। ऑन द अदर हैंड टाउन सप्लाई, शहरों में जो बनने वाला सामान है, इंडस्ट्रियल गुड है, जो फैक्ट्रीज में सामान बनता है, वो गांव वालों की रिक्वायरमेंट को, गांव के जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। पीपल फ्रॉम विलेज, गांव से जो लोग हैं वो शहरों में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी की तलाश के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ के लिए। तो इस तरह से जो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। नाउ पेज नंबर 155, ट्रांसपोर्ट। Transport facilities and the movement of the goods from people one place to another, the development of an efficient transport network is essential for the economic prosperity of our country. कि ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि हम सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, कि किसी भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बहुत अच्छे से डेवलप होना एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी कंट्री का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप है, दैट कंट्री विल बी इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, तो वो कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज गवर्न मेनली बाय द टेरेन एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द रीजन। There is a poor transport network in the mountain, forest, marshes and arid region as well as the economic backward areas. On the other hand, regions with the flat land and those where are the centers of agriculture, industrial or mining activities have dense transport network. There are four important modes of transport. They are roadways, railways, waterways and airways. The transport system hai wo mainly हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। किसी भी एरिया का इफ़ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो किसी भी, अगर हम देखते हैं माउंटेन में, फॉरेस्ट में, या फिर जो माशी एरियाज़ हैं, दलदल वाले एरियाज़ हैं, या जो एरियाज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो अच्छा डेवलप नहीं है। और ऑन द अदर हैंड अगर देखते हैं कि जो एरियाज़ बिल्कुल फ्लैट लैंड है, जहाँ पर जो मेन एग्रीकल्चर सेंटर्स हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही अच्छा नेटवर्क डेवलप हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स हैं वी क्लासिफाई देम इन डिफरेंट कैटेगरीज, हमने उनको अलग अलग कैटेगराइज किया है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट रोडवेज। रोडवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। दे कैन बी बिल्ट अक्रॉस all type of terrain and connect even the most remote areas. Roads are of two type, metalled and unmetalled. Metal roads are made of concrete and asphalt and have a smooth surface. They are all weather roads and are mostly found in the towns and cities. Now students, जो roadways हैं they are most important means of transport. वो important means of transport हैं for short distance. If you are travelling in short distance, अगर हम short distance पे travel कर रहे हैं, then we have to use roadways for it. उसके लिए सबसे अच्छा जो means of transport है वो roadways है. Roadways जो है वो अलग अलग areas में, अलग अलग remotest area और अलग अलग areas को connect करने में help करता है. roadways को हमने two category में divide किया है, metalled and unmetalled. मेटल्ड रोड कौन सी हैं, जो मेन पक्की सड़कें जिन्हें हम कहते हैं, जो कॉन्क्रीट से बनी होती हैं और स्मूथ होती हैं, द स्मूथ एंड मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस। ऑल वेदर रोड हैं ये, हर सारे साल इनमें हम ट्रैवल कर सकते हैं, टूटती नहीं हैं। एंड दे बेसिकली इस तरह की पक्की जो सड़कें हैं दे आर फाउंड इन द टाउन्स एंड सिटीज़, वो टाउन्स और सिटीज़ में पाई जाती हैं। फ्लाई ओवर एंड सबवेज आर द कॉमन इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें फ्लाई ओवर, सबवेज बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। अनमेटल्ड रोड्स आर मड रोड्स एंड हैव अन ईवन सर्फेस, दे आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज, आर अनफिट फॉर यूजिंग
हैवी ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल. अनमेटल्ड रोड जिन्हें हम कच्ची सड़कें कह सकते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मड. वो ज़्यादातर मिट्टी की बनी होती हैं और अनइवन होती हैं, उबड़ खाबड़ होती हैं, और दे आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज़, जो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में डेवलप होती हैं. और हैवी रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो दे आर अनफिट फॉर ट्रैवलिंग, उसमें ट्रैवल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. मॉडर्न 6 to 8 लेन हाईवेज आर प्रेजेंट इन मेनी कंट्रीज़. दे हेल्प इन द फास्ट एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ द रोड ट्रैफिक. कि अभी जो मॉडर्न इंडिया है उसमें 6 to 8 लेन के हाईवेज डेवलप हुए हैं इन मेनी कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ में, जिससे कि हमारा जो ट्रैफिक है वो बहुत ही आसानी से स्मूथ और फास्ट वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ज़्यादा हमें ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ता, हम ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं. द गोल्डन क्वार्टरल हाईवे नेटवर्क इन इंडिया कनेक्ट्स द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. नाउ स्टूडेंट, गोल्डन क्वार्टरल एक हाईवे बनाया गया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जिसमें पूरे इंडिया के जो मेन इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसको कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रेलवे रोडवेज़ का नेटवर्क बनाया गया, जाल बनाया गया, जिसे हमने नाम दिया है गोल्डन क्वार्टरल. गोल्डन क्वार्टरल के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और स्पीड से, हमारे टाइम को जल्दी बचाने के लिए, सेव करने के लिए, हमारी स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो ये गोल्डन क्वार्टरल गवर्नमेंट की ने बनाया है. ये एक 6 to 8 लेन की एक रोडवेज है. द USA इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. द वेस्टर्न यूरोप इन द हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हेंस हैज़ अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टिंग ऑल मेजर टाउन्स एंड सीपोर्ट. In India, the Northern Plains has a good network of roads. Now, USA में सबसे ज़्यादा जो roads हैं उनकी density, यानी सबसे ज़्यादा road कहाँ पाई जाती हैं, USA में. Western Europe is highest industrial in sense. Western Europe में बहुत ज़्यादा industries develop हैं और वहाँ पर very dense network of roadways, बहुत ही घना जो है network है roads का, जो connect करती हैं सारे important towns and seaport को. In India, the northern plains have good network of road. कि इंडिया में भी जो northern plains का जो एरिया है, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार वाला जो एरिया है, they are having good network of road. वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी roads हैं, अच्छी सड़कें बनाई गई हैं. Now student, that's all in today's class. We'll continue this chapter from railways in our next class. Okay, thank you and have a nice day.